बट अगर यदि आप आज आप सर्विस मैनेजमेंट जोड़ाई रहा है महिंद्रा हॉलीडेज मैनेजमेंट है ओवरऑल ट्रेंड केव चाली रो अँ आटलू आउटलुक के बनी रो आ बदा मुद्दाओं विषय अपनी चर्चा करने कंपनी एमडी और सीईओ कविंदर सिंह जोड़ाई चुका है। हाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में यही से करना चाहूंगी, क्वार्टर थ्री किस तरीके से देख रहे हैं आप? जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा चीजें इम्पैक्टेड थी, क्या वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाए, सेकेंड हाफ पूरा कैसा रहेगा इस साल का, अगर पिकअप दिख रहा है किस तरीके से दिख रहा है? जहां तक क्वार्टर थ्री का सवाल है जो कि इस समय चल रहा है, हमारे पास एक अच्छी न्यूज है आपके दर्शकों के लिए कि हमारा 74% ऑक्यूपेंसी रही और हमारे 60,000 खुल चुके हैं और ये ऑक्यूपेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे ओपन रिजॉर्ट हैं। तो उस एंगल से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा नवंबर हमारे लिए गुजरा, दिसंबर में भी हमारी ऑक्यूपेंसी अच्छी दिख रही है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर हमारे मेंबर हैं 2,60,000 और ये मेंबर दो रीजंस की वजह से हमारे रिजॉर्ट्स में आ रहे हैं। एक तो हमने क्लब महिंद्रा सेफ स्टे प्रोग्राम चलाया है जिसके चलते हम लोगों ने कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन्स कर दी है, कॉन्टेक्टलेस सर्विस दे रहे हैं और तो और हमने ब्यूरो वेरितास से सर्टिफाई भी किया है कि हमारे रिजॉर्ट कोविड सेफ है। उसके चलते हमने काफी मोमेंटम देखा नवंबर में, अक्टूबर में 62% था और हमने एक ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस प्रोग्राम भी चलाया हुआ जिससे आप अपनी कार को सैनिटाइज करके कोविड का टेस्ट अगर आपको कराना है तो करा के आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस और कोविड इंश्योरेंस लेके हमारे रिजॉर्ट्स पर आ सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अक्टूबर नवंबर अच्छे गुजरे, 62% हमारा अक्टूबर में ऑक्यूपेंसी रही, नवंबर में 74% के करीब ऑक्यूपेंसी रही। तो अगर हम ये देखें कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही और हमारा कैश बैलेंस भी 791 करोड़ के करीब बना रहा, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी कहेंगे इस समय और हम आगे भी अच्छी ही देख रहे हैं। दिसंबर में भी हमारी ऑक्यूपेंसी करीब करीब 80% के करीब हो सकती है और तो और हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान भी जैसे हम पहले चला रहे थे वैसा ही रखा है। ओके, अग्रीड सर। सर इसके अलावा मैं कुछ और डिटेल समझना चाह रही थी, किस तरीके से मेंबरशिप जो आप ऑलरेडी ऑफर करते हैं वहां पर रिस्पांस रहा है, क्योंकि आपका नियरली 20% एनुअल रेवेन्यूज का वहीं से आता है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए किस तरीके से शेप अप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मेंबर एडिशंस, कितने आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आउटलुक अगर आप मुझे दे पाए। तो मेंबर एडिशंस जहां तक सवाल है, एक मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्वार्टर टू हमारे लिए मेंबर एडिशंस के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर आप देखें पहले क्वार्टर में हमारे 1270 मेंबर आए, दूसरे क्वार्टर में 2681 आए और हमारा मेंबर एडिशंस की जो मोमेंटम हम देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में अच्छा है। अगर मगर आप एक चीज इस बात को देखिए कि हमारे यहाँ पर जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको कम से कम 3-4 लाख रुपया और अगर आपने हायर सीजन की मेंबरशिप ली है तो 5-6 लाख भी देना पड़ता है। इस एनवायरमेंट में, पेंडेमिक की एनवायरमेंट में भी हमारे मेंबरशिप एडिशंस हो रहे हैं और तो और हम वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हैं बिकॉज फेस टू फेस कई बार मेंबर एडिशंस के लिए जो हमारी मीटिंग्स होती है वो नहीं हो पाती, उसके बावजूद ये बहुत ही अच्छा शो रहा हमारा क्वार्टर टू। क्वार्टर थ्री में भी हमको मोमेंटम दिख रहा है मेंबरशिप एडिशंस का और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे मेंबर्स जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट में उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, वो सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि हमको क्लब महिंद्रा में मजा आ गया। तो अगर आपको मजा आ गया है तो फिर आपको मेंबरशिप जो हमको बेचने में भी आसानी होती है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मेंबरशिप के लिए भी हमारा मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। ओके, और रिन्यूअल किस तरीके से हो रहे हैं सर? अगर आप बता रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस रहा है तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स की बात करें, जब कितने रिन्यूअल्स की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं, कितने और एडिशंस होते हुए देख पाएंगे? तो हमारे बिजनेस में रिन्यूअल्स का ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे जो मेंबर आते हैं 25 साल की मेंबरशिप लेकर आते हैं। अभी हमने अप्रैल में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था 3 साल का गोजस्ट करके, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है। वो थोड़ा सा हमने एक जिसे कहते हैं एंट्री लेवल प्रोडक्ट है कि जिसको क्लब महिंद्रा का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो वो लाख रुपए में आपके 3 साल का एक प्रोडक्ट ले सकता है, उसमें भी हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा। तो जब उनका टाइम आएगा रिन्यू करने के टाइम, वो तो 3 साल बाद आएगा तो देखेंगे, मगर वो एक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है एज एन एंट्री लेवल प्रोडक्ट। बट अगर आप हमारे मेन प्रोडक्ट देखें जो कि 25 साल में है तो उसमें हमको रिन्यूअल का कुछ नहीं है, हमारा तो मेंबरशिप बेस कंटिन्यू हो रहा है और 2,60,000 में हमारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर 25 साल का।
ओके अच्छा, और रिसोर्ट अंकल वहां पे कुछ कोरोना को लेकर दिक्कतें होने की उम्मीद की जा रही थी, क्या वो नॉर्मलाइज हो चुका है, कब तक एक्सपेक्टेशन है, कुछ डिटेल्स? तो क्वार्टर थ्री में हम अगर अपने रिजॉर्ट इनकम को जो हम देख रहे हैं बनती हुई अक्टूबर नवंबर में, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है हमारी रिजॉर्ट इनकम भी वापस आती जा रही है, और वो तो एक्सपेक्टेड था ही, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमारे रिजॉर्ट में कभी कभार वो बाहर जाके भी खाना वाना खा आते थे, और हमारी रिजॉर्ट इनकम जैसे कि आपको मालूम है फूड एंड बेवरेज से होती है, हॉलीडे एक्टिविटीज के थ्रू होती है, और अगर हम देखें इस बार तो हमारा फूड एंड बेवरेज में बहुत अच्छा कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि लोग रिजॉर्ट के अंदर सेफ्टी के साथ खाना चाहेंगे, और फैक्ट ये है कि हमारे जो किचन है वो फूड सेफ्टी सर्टिफाइड है, हमारा ISO 22000 का सर्टिफिकेशन भी है, और कोविड सेफ प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बताया ही था कि ब्यूरो वेरिटास के चलते है, तो लोग अभी रिजॉर्ट में खाना खा रहे हैं, रिजॉर्ट में एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे हमारी रिजॉर्ट इनकम में भी काफी बढ़ोतरी होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम पहुंच रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ, हमको जाते हुए दिख रहे हैं। ओके अग्री सर, और जिस तरीके से बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ से चीजें ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डीप डिस्काउंट्स है, काफी ज्यादा चीजें मैं ऑनलाइन देख भी रही हूँ, उसको किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजाइज हो रहा है, कुछ डिटेल्स आपकी इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे अगर आप बता पाए। हाँ, तो जहां तक डीप डिस्काउंट्स का सवाल है, देखिए जहां तक लेजर डेस्टिनेशंस की सवाल है, लेजर डेस्टिनेशंस में तो अभी डिमांड बहुत है, तो डीप डिस्काउंटिंग लेजर डेस्टिनेशंस में नहीं हो रही है, जो बिजनेस होटल्स में हो रही है सिटीज में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा लेजर बिजनेस है तो डिस्काउंटिंग का है नहीं, और दूसरी चीज ये है कि हमारा तो मेंबर बेस है, हमने तो मेंबरशिप फी ऑलरेडी लेके रखी हुई है, हमको एनुअल फी अब सिर्फ मिलती है, और हमको कमरे देने होते हैं अपने मेंबर को, तो हमारे लिए डिस्काउंटिंग के लिए कुछ बचता नहीं है, तो बाकी जो बचा वो फूड एंड बेवरेज है, उसमें तो मेंबर को वैसे ही डिस्काउंट मिलता है और हमने उसको बढ़ाया नहीं है, तो हमारे बिजनेस में डिस्काउंटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। ओके अग्रीड सर, और लास्टली मैं कुछ इन टर्म्स ऑफ कैश जॉब की बुक्स में उसके ऊपर आप किस तरीके से यूसेज करने वाले हैं, उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी, अगर आप मुझे दे पाए। तो एक अच्छी चीज ये है कि हमारे बिजनेस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो एनुअल फी के थ्रू भी कवर हो जाता है काफी, और ऑफकोर्स हम फूड एंड बेवरेज की रिजॉर्ट इनकम भी आती है, हॉलीडे एक्टिविटीज की इनकम आती है, जिससे हमारे खर्चे निकल जाते हैं और प्रॉफिट भी आ जाता है, और जो हमारी मेंबरशिप फी होती है उससे हमारा रिजॉर्ट बन जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कवर हो जाती है, तो हमारे बिजनेस मॉडल की वजह से हमारे पास 800 करोड़ का कैश जमा हो गया है, और ये अगर हम 800 करोड़ को अगर हम डिप्लॉयमेंट के एंगल से देखें तो आज मार्केट में हमको सही प्राइस पर प्रॉपर्टीज मिल रही है और हम उनको देख रहे हैं, हमको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नई प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी, नए रिजॉर्ट्स खड़े करने पड़ेंगे, जैसा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे पास 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, जो हमारा ग्रुप प्लान है, जिसमें हम अगले 3 से 4 सालों में कम से कम 1500 से 1800 रूम यूनिट्स क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा मेंबर एडिशन फिर बढ़ेगा, और गुड न्यूज ये है कि जैसे जैसे हम ये कैपेक्स को डिप्लॉय करेंगे हमारा मेंबर एडिशन होगा और उसके बावजूद हमारा कैश बढ़ता रहेगा, तो हमारा जो कैश है ये डिप्लॉय भी होगा कैपिटल में और नया कैश भी आएगा, तो उस एंगल से अगर आप देखें तो हमको डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी ग्रोथ के लिए। ओके अग्री, और लास्टली हम लोगों ने इंडियन बिजनेस की काफी बात कर ली, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे किस तरीके से रिस्पांस रह रहा है, वो नॉर्मलाइज कब तक हो पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे पिछले कुछ महीनों में, क्या कंडीशन है? तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस दो तरह की डेस्टिनेशंस है, एक तो हमारी क्लब महिंद्रा की डेस्टिनेशंस है, हमारे पास दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर और मलेशिया और श्रीलंका और भूटान में भी रिजॉर्ट्स हैं, कुछ हमारे टाई अप्स हैं और कुछ हमारे अपने हैं, तो इस समय इंटरनेशनल में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मगर क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसके चलते जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं उसमें तो हमारी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि हमको कोई एक्स्ट्रा हमने कोई डेट लेके तो रिजॉर्ट खरीदे नहीं है, और बाकी जो हमारे टाई अप्स हैं उसमें हमारा अरेंजमेंट ऐसा है कि अगर ऑक्यूपेंसी होगी तभी हमको पैसा देना पड़ेगा, तो उस तरीके से हमको कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आ रही है, और साउथ ईस्ट एशिया में अभी उतना मूवमेंट नहीं है, दुबई में डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्ट है, दुबई में ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही है, बैंकॉक में अभी उतना नहीं है। अगर मैं अपनी फिनलैंड कंपनी देखूं तो मेरी एक चीज आपको मैं शेयर करना चाहूंगा आपके दर्शकों से कि हमारे पास फिनलैंड में करीब करीब 25 रिजॉर्ट्स हैं और करीब हमारे 2 रिजॉर्ट स्वीडन में है, करीब 6 रिजॉर्ट्स हमारे कैनेडी आइलैंड्स में है जो कि स्पेनिश टेरिटरी है, तो अगर हम उसको देखें तो 33 रिजॉर्ट्स हैं हम लोगों के पास और 33 रिजॉर्ट्स में से 30 खुल चुके हैं और हमारा पॉजिटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था
जब हमने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स दिए थे। हाँ, क्वार्टर थ्री में जरूर कोविड की एक सेकेंड वेव चल रही है, उसके चलते हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्वार्टर थ्री कैसा जाएगा फिनलैंड में। मगर फिनलैंड वाले लोग डोमेस्टिक हॉलीडे काफी कर रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल विजिटर्स वहां पर अभी अलाउड नहीं है। ओके, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स, के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज मैनेजमेंट अपनी साथ जोड़ाया था, अने नेक्स्ट टाइम जरा रिजल्ट्स आवशे त्यारे आपणे वधारे डिटेल में चर्चा करीशु। बट एज ऑफ नाउ जे रीतना ट्रेन्ड्स सुधरी रहा छे अने मेम्बरशिप एडिशन्स ना माटे जे रीतना नवा प्रयत्नो कंपनी करी रही छे अने घणुं पॉझिटिवली जोवुं पण जोईए, छेल्ला एक महिना अंदर ऑलमोस्ट 15% ना रिटर्न्स अकाउंट डिलीवर करी भी चुक्यो छे। 208 दिवसनी आसपास अत्यारे कार्यरत छे, તો ધ્યાન રાખવાનું એની સાથે જ ક્વિકલી બ્રેક પણ લઈ લઈએ।